वेलकम टू ई लर्निंग बुजुर्ग, स्वागत है आप सभी का हिंदी के इस महत्वपूर्ण क्लास में। जल्दी जल्दी मेरे सभी जाति लाइव आ जाइए, क्लास हिंदी की प्रारंभ हो चुकी है। जी फ्रेंड, हिंदी की परीक्षा वाली क्लास प्रारंभ हो चुकी है, आप सभी साथी फटाफट लाइव आ जाइए। जितने भी साथी हैं मेरे, जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। जैसे जैसे जुड़ते जाए फ्रेंड, वीडियो को शेयर करते चलेगा। यह क्लास आपकी आगामी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई फ्रेंड। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी साथी लाइव आएंगे, फटाफट लाइव आएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि दिए गए शब्दों का हमें विलोम शब्द बताना है। जी हाँ फ्रेंड, दिए गए प्रश्न का हमको विलोम शब्द बताना है। तो देखिए, पहला हमारा जो शब्द है अनुकूल, अनुकूल का विलोम आपको जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। प्रतिकूल होगा या विरुद्ध होगा या विपरीत होगा या तटस्थ होगा, तो फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड के विलोम, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करना प्रारंभ करें। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से मेरे सभी साथी आंसर कमेंट करना प्रारंभ कर दें। क्या है प्रश्न का सही जवाब, फटाफट सभी के जवाब चाहिए, जल्दी जल्दी आइए। जैसे जैसे जुड़ते हैं फ्रेंड, वीडियो को शेयर करते चलिएगा। बस आपको इतना काम करना है, जैसे जैसे जुड़ना है वीडियो को शेयर करना है सभी साथ मिलकर। जी हाँ, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ चुके हैं। लगभग लगभग सभी साथी ने आंसर प्रारंभ कर दिया है भैया। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होगा। जी हाँ, आप सभी के जवाब सही है भैया, विकल्प नंबर ए वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है भैया, कि अनुकूल का जो विलोम होगा प्रतिकूल होगा, विकल्प नंबर ए इज राइट आंसर। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें फ्रेंड, तो आगत का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। आगत का विलोम पूछा जा रहा है, अनागत होगा, विगत होगा, तथागत होगा और स्वागत होगा। आगत का विलोम, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर बी के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए अपने अपने आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। सभी साथियों का मैं क्लास में वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे जैसे जुड़िए फ्रेंड, इतना काम करना है कि वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी साथियों तक वीडियो पहुंच पाए। फटाफट जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सही जवाब क्या होंगे। बहुत बढ़िया, आगत का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। आगत का विलोम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आगत का विलोम क्या होगा। चलिए, बी और ए में कंफ्यूज है, तो बी वाले साथियों के जवाब सही भैया, आगत का विलोम विगत होगा। आगत का विलोम विगत होगा, विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। टू का जो आंसर होगा फ्रेंड वो बी होगा, आगत का विलोम विगत होगा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं, झंडे का पर्यायवाची शब्द है। झंडे का पर्यायवाची शब्द है ध्वज, पताका, सेतु या विमान। झंडे का पर्यायवाची शब्द क्या है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा कि झंडे का पर्यायवाची शब्द क्या है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भैया, विकल्प नंबर ए वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं कि जो झंडे की पर्यायवाची होगा वो विकल्प नंबर ए ध्वज होगा। ए इज राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। फटाफट एक बार जल्दी से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना शेयर करना आपको नहीं भूलना, इतना काम आपको करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। जैसे जैसे आप लोग अपनी संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ेगी, साथ ही साथ प्रश्न की जो पैटर्न है वो अभी थोड़ा सा टफ होंगे। तो फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। आगामी जितनी भी आपकी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है, जिसमें आपका यूपी ट्रिपल एससी है, उसका पेट हो गया, उसके बाद यूपीएसआई हो गया, या जितनी भी परीक्षाएं हैं जहां भी समान हिंदी पूछा जाएगा, उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा वाली क्लास है फ्रेंड। तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा फूल का पर्यायवाची है। फूल का पर्यायवाची शब्द है मुकुल है, निकुंज है, तुषार है या पुतुल है। फटाफट आंसर कौन बताएगा कि फूल का पर्यायवाची क्या है। जल्दी से आंसर कौन बताएंगे कि फूल शब्द का पर्यायवाची क्या है। फटाफट क्वेश्चन नंबर, जी हाँ, फूल का पर्यायवाची क्या है, मुकुल है, निकुंज है, तुषार है या प्रसून है। चलिए आंसर आने पर बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है भैया। कुसुम प्रसून ये सारे आपके फूल के पर्यायवाची है। सुमन, कुसुम, प्रसून ये सारे फूल के पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प नंबर डी स्वभाव सही होगा। डी इज राइट आंसर, फूल का जो पर्यायवाची शब्द फ्रेंड हुआ है विकल्प नंबर डी प्रसून। डी इज राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से क्या उपसर्ग नहीं है, कौन सा उपसर्ग नहीं है जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। आ है, चिर है, प्रति है या इका है। कौन सा उपसर्ग नहीं है प्रत्यय है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी साथियों के जवाब 100% आ गए हैं। बहुत बढ़िया भैया, आप सभी के जवाब सही हैं। देखिए, आ उपसर्ग है, चिर उपसर्ग है,
प्रति उत्सर्ग है, जो उत्सर्ग नहीं है, जो प्रत्यय है वह है आपका विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी उत्सर्ग नहीं फ्रेंड, प्रत्यय है। जैसे नायिका, नायक में इका प्रत्यय जुड़कर नायिका बना है, तो ये इका जो आपका वह उत्सर्ग नहीं फ्रेंड बल्कि प्रत्यय है, विकल्प नंबर डी, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंधेर नगरी का अर्थ होता है फ्रेंड, अंधेर नगरी एक मुहावरा का अर्थ होता है, राज्यहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहाँ अंधेरा हो या सुनसान जगह। अरे भैया बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का जवाब क्या होगा? अंधेर नगरी, फटाफट आंसर कमेंट कर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर कमेंट करिएगा, अंधेर नगरी का सही जवाब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, बी वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। अंधेर नगरी का मतलब होता है जहाँ पर न्याय न हो, मतलब अन्याय की जगह। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हुआ है कि जिस स्थान पर परफेक्ट पूर्ण रूप से न्याय न हो वहां पर अन्याय की नगरी होती है, विकल्प नंबर 20 लिस्ट का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने का कौन सा स्थान है? दूसरा है, चौथा है, छठा है या दसवां है? विश्व में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें हिंदी को कौन से नंबर पर बोला जाता है, कौन सा स्थान पर हिंदी को जगह मिली गई है? जल्दी से बताइए, हिंदी को किस स्थान पर बोला जाता है, फटाफट बताइएगा। विश्व में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनमें हिंदी को कौन से नंबर पर बोला जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सेकंड आंसर आ रहा है, कुछ लोग ए भी कमेंट कर रहे हैं, तो ए और बी में कंफ्यूज हैं, तो सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं, सही जवाब पर पहुँचते हैं। तो चौथे नंबर की भाषा है हिंदी। जी हाँ फ्रेंड, चौथे नंबर पर हिंदी बोली जाती है, चौथे नंबर की भाषा विश्व स्तर पर हिंदी बोली जाती है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। लगे हाथ एक प्रश्नों का रिवीजन कर देंगे कि विश्व हिंदी दिवस तथा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, फटाफट कमेंट में छाप देंगे आंसर कि विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और आंसर को टाइप कर दीजिए, क्या है इसका सही जवाब, साथ ही साथ इसको भी क्लियर कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं किया जाता, दक्षिण अमेरिका में भी तो नहीं किया जाता, ना पाकिस्तान में किया जाता, भैया मॉरीशस में किया जाता है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, छाप दिया था साथियों ने, बहुत अच्छा। 10 जनवरी 1975 विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर 1949 से राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, लगे रहिए, बस इसी तरीके से जवाब चाहिए, निश्चित तौर पर हम कामयाबी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं, बस तैयारी को अपनी हुकार बरते रहिएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, भर पेट में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड, भर पेट में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? भर पेट का मतलब भर क्या है, पहला जो शब्द है वह अव्यय है। भर पेट में पहला जो शब्द है फ्रेंड अव्यय है, तो आप जानते हैं कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उसे अव्यय भाव समास कहते हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भर पेट में अव्यय भाव समास है, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, जो शीत प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे प्रसन्नाचित, प्रसून, प्रसन्ना या स्तोत। जो बालक या जो व्यक्ति शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे हम किसकी संज्ञा देते हैं, क्या उसे हम प्रसन्नचित कहेंगे, क्या प्रसून कहेंगे, प्रसन्ना कहेंगे या आशुतोष कहेंगे? जल्दी से आंसर बताइएगा भाई, कि जो व्यक्ति शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए एक शब्द होता है आशुतोष। विकल्प नंबर डी के साथ चलेंगे, डी द राइट आंसर, कि ऐसा व्यक्ति जो तुरंत प्रसन्न हो जाए उसे हम आशुतोष कहते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रताड़ना होता है, पश्चाताप होता है या प्रायश्चित होता है या हार मान लेना होता है? पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना किस प्रकार का जो है, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, जल्दी से आंसर करिएगा भाई, पाप करने के लिए स्वयं दंड पाना, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भैया, आप पाप करने के बाद यदि स्वयं को दंड देते हैं तो मतलब आप क्या है, अपने आप को प्रायश्चित करते हैं। जैसे क्या होते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को डांटने फटकारने मारने के बाद तुरंत अब खुद ही पीड़ा महसूस करती हैं, खुद ही उनको बहुत गिलानी होती है, इसी को कहते हैं प्रायश्चित करना। सी द राइट आंसर, सी इस विकल्प का बिल्कुल सही जवाब है। सी वाले मेरे सभी साथियों के जवाब 100% सही है, प्रायश्चित द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, दो समवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अव्यय, प्रत्यय, समास या ध्वनि। बात वर्णों के मेल की हो रही है, बात जहां पर वर्णों के मेल की होती है फ्रेंड वहां पर संधि की निष्पत्ति होती है। जब जहां पर दो समीप के वर्ण आपस मिलकर
विकार उत्पन्न करते हैं वहां पर संधि की उत्पत्ति होती है, और जहां पर दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है वहां पर समास की उत्पत्ति होती है। तो वर्ण और शब्द में अंतर रखिएगा, शब्द मिलेंगे समास तो वर्ण बनेंगे तो संधि। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, डी इज द राइट आंसर, संधि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे, सही मुहावरे का चयन करना है हमको। पूछा जा रहा है आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होगा और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है, फूट फूट कर होता है। बिल्कुल सिंपल सा मुहावरा है फ्रेंड, कह रहा है कि आखिर एक दिन अत्याचार का अंत होगा, अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं फूट फूट कर रोएगा या असमंजस में पड़ जाएगा या कलेजे पर हाथ रखेगा या सिर धुनेगा। आप लोग आंसर कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है। चलिए डी कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं एक दिन अत्याचार का अंत हो जाएगा, अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है, स्वयं सिर धुनता है मतलब अपना माथा पटकता है, स्वयं अपना माथा पटकेगा अपने अपराधों के लिए, इसलिए विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र के रचनाकार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए सभी साथी आंसर। कुरुक्षेत्र के रचनाकार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, बड़े ही मजेदार कवि को लिखा है, जी हाँ रावधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर, बे इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का, कुरुक्षेत्र को जिसने लिखा है फ्रेंड वह रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प नंबर ए 14 का बिल्कुल सही जवाब है, रामधारी सिंह दिनकर इज द राइट आंसर। एक बार फिर से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी साथी, जल्दी से वीडियो को शेयर करिएगा, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर। आइए पुलिंग परिवर्तन का सही विकल्प है, सामग्री सम्राट ठाकुर ठाकुराइन ठाकुर, कवित्री कवि रानी राज, बिल्कुल सिंपल था। देखिए क्वेश्चन है, आई होप आप सभी के जवाब 100% आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर कमेंट करिएगा, सामग्री सम्राट परिवर्तन पूछा जा रहा है, लिंग परिवर्तन में सही से कौन सा है। अरे भैया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसके तो जवाब जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा, सही से सही आंसर कमेंट करिए फटाफट, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर कमेंट करिएगा। सामग्री कौन सा सही विकल्प है, बहुत बढ़िया फ्रेंड, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर, सामग्री सम्राट, सामग्री सम्राट यह यहाँ पर पुलिंग परिवर्तन का सही विकल्प है, बाकी सब में गलतियां हैं, बाकी ए बी बी सी डी सब में गलतियां हैं, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। आगे बात करेंगे, गरीबों के लिए नियमित निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है, गरीबों के लिए निमित्त धन इकट्ठा करना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, को के लिए अपादान से संबंध ही हो अरे अदर संबंध ही हो अरे सॉरी संबंध का के की और अपादान ही हो अरे। तो बताइए भैया, कर्ता ने करण को ये करण कारक अपादान कारक संप्रदान कारक या कर्ता कारक, जी हाँ जल्दी से आंसर करके बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रयुक्त होगा, जी हाँ फटाफट देखिए, गरीबों के लिए होना चाहिए था, गरीबों के लिए निमित्त धन इकट्ठा करो, विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर 30 राइट आंसर, संप्रदान कारक यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, अनुभाव, क्षारी भाव या विभाव। कह रहे फ्रेंड जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, अस्थायी भाव कहते हैं, विभाव कहते हैं। फटाफट आंसर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड कि क्या कहते हैं हमने, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा उन्हें हम किस प्रकार की संज्ञा देते हैं, उन्हें हम फ्रेंड संचारी भाव कहते हैं, विकल्प नंबर ए द राइट आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ पर और आप लोग तैयार करिएगा, संचारी भाव की संख्या 33 होती है, संचारी भाव की संख्या 33 होती है जबकि रस की संख्या 9 होती है और 9 ही अस्थायी भाव आते हैं। आगे बात करेंगे कि जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं दिगु द्वंद कर्मधारय और बहुवरी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड कि जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे यार कि जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता है, जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता है तो बहुवरी समाज से कहा जाता है कि ऐसा समाज जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है, यहाँ पर दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करते हैं, जैसे जलज मतलब जल में जन्म लेने वाला अथार कमल, चक्रपाणि
चक्र है हाथ में अर्थात जिसके विष्णु जी, लंबोदर लंबा है उधर अर्थात जिसका गणेश जी। ये सारे एग्जाम्पल आपके बहुवरी समाज के हैं। मक्खी का तत्सम रूप है, मक्खी का तत्सम रूप है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। मक्खी का तत्सम रूप पूछा जा रहा है, मच्छी का माछी, मच्छी या मच्छी का, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, फटाक से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। मक्खी का तक्षम रूप है, डी वाले साथियों के जवाब सही है भैया, डी वाले साथियों के जवाब सही है कि मक्खी का जो यहाँ पर तक्षम रूप है वह मच्छी का होता है, विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, पारा न उतारना, जी हाँ पारा न उतारना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा, हद कर देना, अशांत होना, घमंड दिखाना या शांत होना, जल्दी से बताएं फ्रेंड। पारा न उतरना, पारा न उतरना मतलब क्या होगा, हद कर देना, अशांत होना, घमंड दिखाना या शांत होना, फटाफट आंसर कौन कर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या है, पारा न उतरना का मतलब फ्रेंड अशांत होना, जी हाँ विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाना, पारा न उतरना का मतलब होता है अशांत होना, विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है, निश्चित अनिश्चित, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। अरे भैया दर्शकगण का मतलब संख्या होगा, कई मतलब अनिश्चित, कई मतलब अनिश्चित की बात कर रहे हैं, इसलिए विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बात कर रहे हैं, कई कुछ ये सब जो जा रहे होते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं, दर्शक आपकी संख्या में जाएंगे, इसलिए विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, बताइए भैया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त होगी, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल, जी हाँ आनंदीबेन पटेल यह क्या है, यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राज्यपाल आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, तो आनंदीबेन पटेल व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उनके जो जात उनका जो पोस्ट है वह जातिवाचक संज्ञा है, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। आगे बात करेंगे, हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारती का, लोकोक्ति का सही अर्थ है, कंगन पहनने पर सुंदरता बढ़ जाती है, सुंदर व्यक्ति को कंगन की जरूरत नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, अब हाथ के कंगन को आईने में देखना चाहिए, हाथ के कंगन को आईने में देखना। तो देखिए भैया बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारती का, इस मुहावरे का अर्थ जल्दी से आंसर करना, बहुत बढ़िया आंसर आना प्रारंभ हो चुका है, बहुत अच्छा फ्रेंड, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यदि आप सुंदर हैं तो किसी भी प्रकार के सजावट की आवश्यकता आपको नहीं है, यदि आप विद्वान हैं, आप तीर्थ तर्राक है, तो आपको अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वह खुद ही खुद सामने आ जाएगी, इसलिए कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखो को फारसी क्या। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, तो छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं, छंद शास्त्र में दशाक्षर की संज्ञा किसे देते हैं, दस वर्णों के समूह को, ल और ग वर्ण को, आठ वर्णों के समूह को, या फिर कोई नहीं, क्या फ्रेंड छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा, 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा। छंद शास्त्र में दशाक्षर वर्ण जो होता है वह ल और ग वर्णों को कहते हैं, विकल्प नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, छंद शास्त्र में दशाक्षर वर्ण जो है ल और ग वर्णों को कहते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है, ऋतु है, पंडित है, हंस है, आचार है, फटाफट आंसर कमेंट कर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है, जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएंगे फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट कर बताएंगे, ऋतु है, पंडित है, हंस है, आचार है, जी हाँ जल्दी से बताइए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप मेरे सभी साथियों के जवाब सही होंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करिए भाई। हाँ भाई देखे पंडित ये आपका पोलिंग है, आचार्य पुलिंग है, हंस पुलिंग है, इसका मतलब ऋतु इज द राइट आंसर, ऋतु यहाँ पर स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है, बाकी सारे आपके पुलिंग है। आगे बात करेंगे कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, द्वार, साय, गिरिस्ती, पाम, हाँ भैया ध्यान से देख के आंसर बताइए, कौन सा आपका तद्भव शब्द नहीं है, तीन चार आपके तद्भव है, एक तद्भव नहीं, एक तत्सम है, वह कौन सा तत्सम है, जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत बढ़िया, देखिए द्वार तद्भव है, गिरिस्ती तद्भव है,
पांव तद्भव है, सॉरी हाँ पांव तद्भव है, जो तद्भव नहीं है श्याय फ्रेंड, यह तस्यम है, इसलिए यही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पांव तस्यम आपका है साय। आगे बात करेंगे किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया है, किस क्रमांक में मतलब कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयोग हुई है। वह दिन भर खाता है, वह रात भर नहीं सोया, वह सदा ही धोता है, उसी ने बोला था। बताइए फ्रेंड किस क्रमांक में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए बी बी साथी कमेंट कर रहे हैं, बी कमेंट कर रहे हैं, अरे भैया अकर्मक क्रिया वह दिन भर खाता है, विकल्प नंबर ए वह दिन भर खाता रहा, इसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, जहां पर आप स्वयं इस प्रकार का बोध होता है वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो बताइए उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी भय, सब काम मैं अपने आप से करूंगा, आप पुस्तक पढ़ें। बताइए किस में निजवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। निजवाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम की संज्ञा देते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम किस में प्रयुक्त हुआ है, फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी साथियों के जवाब सही होने चाहिए। भैया बी एंड डी कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, बी एंड डी, जी हाँ बी एंड डी कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, बी एंड डी होना चाहिए था। आप पुस्तक पढ़ें, इसमें देखिए क्या है, निजवाचक सर्वनाम प्रयुक्त नहीं हुआ है। जी हाँ सब काम मैं अपने आप से करूंगा, इसी में भैया प्रयुक्त हुआ है, अपने आप यहाँ पे आया है, विकल्प नंबर सी द राइट आंसर, सी स्पंद का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित शब्द में से कौन सा सही अर्थभेद है, तरड़ी तरणी, नौका और सूर्य, अनिल अनिल हवा और अग्नि, मरिची मरिची रश्मि और रवि, श्लील और शलील, स्वेरी और शिष्ट। जी हाँ फटाफट बताइए क्या है इस प्रश्न का सही जवाब, कौन सा अर्थ यहाँ पर सही प्रयुक्त हुआ है, फटाफट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अनिल अनिल, तरण तरणी, मरित मरिची। चलिए विकल्प नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है, क्वेश्चन नंबर 29 का, मरीची का अर्थ होता है रश्मि और मरीची का अर्थ होता है रवि, विकल्प नंबर 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करेंगे छत्रज्ञ किस प्रकार के व्यंजन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है जी, आप बहुत बढ़िया, यह आपका संयुक्त व्यंजन है, बहुत बढ़िया फ्रेंड। जी हाँ छत्रज्ञ एक संयुक्त व्यंजन है, विकल्प नंबर 30 राइट आंसर। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास, आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया है। तो ये वीडियो इसी को हम समाप्त करते हैं यहाँ पर, जुड़े रहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।